मध्य प्रदेश के शासन द्वारा 15 जनवरी से 29 फरवरी 2024 के मध्य राजस्व प्रकरणों के निराकरण हेतु राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत बुधवार को राजस्व महाअभियान विशेष शिविर का आयोजन किया है। शिविर में आए लोगों को अनुविभागीय अधिकारी शाहपुर डॉक्टर अभिजीत सिंह ने राजस्व विभाग की विभिन्न प्रकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी है एवं उन योजनाओं का कैसे लाभ किया जाए उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। शिविर में 3 बजे तक कुल 52 प्रकरण आए हैं जिनको दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही कर निराकृत किया जा रहा है। शाहपुर SDM ने एक करके आवेदनकर्ताओं की समस्याएं सुनी है व संबंधित पटवारी से उस समस्या के बारे में मौके पर जानकारी ली एवं उचित निराकरण बताया है। विशेष शिविर में न्यायालय में प्रचलित प्रकरणों के निराकरण उपरांत अमल शुदा खसरा किस्त बंदी की नकल हितग्राहियों लाभार्थियों को स्वामित्व योजना के पट्टे वितरित किए हैं। तहसील परिसर में जो राजस्व महाअभियान शिविर लगा था, सर ये क्या शिविर था, कितने आवेदन प्राप्त हुए और कितने का निराकरण हुआ है? लगभग मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार पूरे मध्य प्रदेश में राजस्व विभाग के लंबित प्रकरण और प्रचलनशील योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक महाअभियान की शुरुआत की गई। ये महाअभियान 15 जनवरी से 29 फरवरी तक चलेगा और इसी महाअभियान के बीच में समस्त तहसीलों में जितने भी हमारे आदरणीय जनप्रतिनिधिगण हैं, सांसद महोदय, विधायक महोदय, इनके माध्यम से इनकी अध्यक्षता में एक विशेष शिविर का आयोजन किया जाना था और इसी की श्रेणी में आज तहसील शाहपुर में भी ये विशेष शिविर का आयोजन किया गया जिसमें तहसील शाहपुर के ग्रामीण और नगरी क्षेत्र के जनता उपस्थित रही, आम जन उपस्थित रहे और समस्त जनप्रतिनिधिगण और राजस्व के कर्मचारी अधिकारीगण समस्त लोग उपस्थित रहे और इस अभियान के तहत जो है जितने प्रकरण प्राप्त हुए थे, चाहे वो नामांतरण का हो, चाहे बंटवारे का हो, चाहे वो रिकॉर्ड शुद्धिकरण का हो, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र का हो, ऐसे तमाम प्रकरणों का निराकरण करके आज इन समस्त लाभार्थियों हितग्राहियों को जो है लाभान्वित किया गया सांकेतिक रूप से। और इसके अलावा लोगों के द्वारा शिकायतें भी लिखित रूप में प्राप्त करी गई जिसमें लगभग 52 आवेदन प्राप्त हुए जिसका उन समस्त हितग्राहियों के सामने ही समक्ष में ही समस्याओं का वाचन कर संबंधित पटवारी और संबंधित राजस्व अधिकारियों से समाधान की समीक्षा की गई और ऐसे प्रकरण जिसका निराकरण तत्काल किया जा सकता है उनका निराकरण किया गया और ऐसे प्रकरण, ऐसी शिकायतें, राजस्व शिकायतें जिसका निराकरण तत्काल टेबल पर नहीं की जा सकती, इनको प्रकरण दर्ज करके जो है प्रश्नशील किया जाएगा और उसका निराकरण किया जाएगा।